क्या बात है, इतनी घबराई से क्यों हो? मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लूट गया। कौन था वो जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वो नेता विशंबर प्रसाद, जिसके पास मैं काम मांगने गई थी। विशंबर प्रसाद? मैं बताता हूँ साहब, ये औरत पुलिस स्टेशन मदद मांगने आई थी, मगर डीएसपी साहब इंसाफ दिलाने के बजाय इसे विश्वंभर प्रसाद के घर पर छोड़ा है। ये अपना डीएसपी विश्वंभर प्रसाद का खास आदमी साहब। उसकी ये मजाल, डीएसपी साहब से कहना कि एसपी साहब ने उन्हें फौरन बुलाया है। सर, आपको एसपी साहब ने बुलाया है। क्यों? जिस नर्स का बलात्कार हुआ था उसने आप लोगों के खिलाफ बयान दे दिया है। जाके कह दो कि मैं नहीं हूं। सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अबे ओ सत्यवादी की औलाद, जब से नई एसपी आई है सारे डिपार्टमेंट को सच्चाई और देशभक्ति के पर लग गए क्या? जा। सर, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। साला मुझसे जबान लड़ाता है। डीएसपी खन्ना, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे देश की कौन सी कानूनी किताब में ये लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, और फिर मेरे से जूनियर भी तो है। तुम भी मुझसे जूनियर हो, और तुमने भी मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर को मारने की बदतमीजी की है। इंस्पेक्टर करण, यू मे गो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गैर कानूनी और घटिया हरकत करते हुए? क्या क्या है मैंने? उस मासूम नर्स की दुर्दशा सुन चुकी हूं मैं, उस पे हुए अत्याचार की कंप्लेन लिख चुकी हूं मैं। कभी सोचा है तुमने कि कोई आदमी तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसी हरकत करे तो? एसपी साहिबा, ज़बान संभाल कर बात कीजिए। क्यों? खुद की परछाई पर पांव पड़े तो चिल्ला उठे? क्या वो मासूम लड़की किसी की बहन नहीं थी? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उस लड़की की इज्जत इज्जत नहीं थी? अगर देश के रक्षक की भक्षक बन जाए तो इस देश की हिफाजत जाकर कहां रोएगी? मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर आज के बाद तुमने कोई भी गैर कानूनी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गुनाह और गुनेगार दोनों से सख्त नफरत है। मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा था। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं, ये कानून का अपना एक अंदाज है। चोरी, तेरे पति की लाश पर कानून के सारे अंदाज और खेल खत्म हो गए थे। नहीं विशंबर, खेल तो वहीं से शुरू हुआ था, जो खत्म होगा अब तुम सबके अंत पर, और खत्म करूंगी मैं। ओ, अच्छा अच्छा, तो पति की वर्दी पहनकर तुम मुझे कानूनी अंदाज सिखाने आई हो? और साथ में अरेस्ट वारंट भी लाई हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? किस हैसियत से और कौन से जुर्म में? इस शहर की एसपी होने की हैसियत से, और इस लाचार नर्स के साथ बलात्कार करने की जुर्म में। चोरी, एसपी हो या डीएसपी, कलेक्टर हो या कमिश्नर, कानून की सारी हस्तियां मेरे आंगन में पलती हैं, और इस छत के नीचे उन तमाम लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं। तेरी तकदीर तो मैं लिखूंगी विशंबर, जेल की दीवारों में। यू आर अंडर अरेस्ट। हंसले हंसले विशंबर, ये तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। जिंदगी की आखिरी भूल होगी। चलो।
Come on. बेईमानी के नकाब तो पहले चेहरे पर चढ़ा रखे हैं, उन नकाबों पर अब और कितने नकाब चढ़ाओगे? आखिर शहर में मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत? आज तेरी बेइज्जती का तुझे ऐसा तमाशा दिखाऊंगी कि तुझे इज्जत की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। Come on! छोड़ देना, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बाप को। तुम्हारे बाप को तो अब तुम्हारे बाप का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। अरे ओ छोकरी, तुम्हें हमारे गुंडा राज की ताकत का अंदाजा नहीं मालूम। नादान लौंडे, तुझे भी एक एसपी के इन सितारों की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम बाप बेटे के सारे सितारे हिला कर न रख दूं तो मेरा नाम भी नम्रता सिंह नहीं। इस सड़क पर तेरी हड्डियों के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कोई भी गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे बाप की लाश यहीं दफना दूंगी। ठहरो, रुक जाओ। नहीं, मेम साहब हैं? जी हाँ। अरे भैया आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा किया, आओ आओ ना। हाँ। क्या पियोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं ठीक है, पहले ये बताओ तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ भैया, पर अचानक तुम्हें इस बदनसीब बहन की याद कैसे आ गई? खून का रिश्ता है ना, जज्बात पर काबू नहीं पा सका। और जब मुझे ये खबर मिली कि तुमने विशंबर जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो बेचैन उठा मैं, घबराहट हुई मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो विशंबर एक भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। ओह, तो तुम एक बहन के पास नहीं एसपी नम्रता सिंह के पास आए हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। विशंबर प्रसाद से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है, वो इस इलाके का सबसे खतरनाक बहुत ही पावरफुल आदमी है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। वाह भैया वाह, तुम मेरे भाई होकर उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने दत्ता बाबू जैसे नेक इंसान का खून किया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने इज्जत नाम का गहना मुझसे छीन लिया। तुम अगर अपनी जिद पर ऐसी अड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। अंजाम की फिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम अपने आप को जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही हो। मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं सकती और जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत रोक नहीं सकती। हाँ, अगर विशंबर प्रसाद के मैसेंजर ही बनकर आए हो तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुंचा देना कि नम्रता सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, विशंबर प्रसाद के खानदान की बर्बादी। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। एसपी नम्रता सिंह मुर्दाबाद, 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 एसपी नम्रता। शांत हो जाएं आप लोग, विशंबर प्रसाद को छोड़ दो। किसे छोड़ दूं? एक गुनेगार को, एक मासूम नर्स के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को छोड़ दूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत, उस नर्स का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान कि किस बेरहमी से तुम्हारे इस नेता विशंबर प्रसाद ने उसके कपड़े फाड़ कर उसे बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत छीन ली। झूठ बोलती हैं आप, विशंबर प्रसाद देवता आदमी है। देवता है या राक्षस, इसका फैसला तो अदालत करेगी। जी नहीं, फैसला अदालत नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे, फैसला जनता करेगी, फैसला वो नर्स करेगी जिसके बयान के बलबूते पर आप इतना जोर खा रही हैं। ए, बुलाओ उस लड़की को।
बताओ इनको, इन सब के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताओ, क्या विशंबर बाबू ने तुम पर कोई जोर जुल्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार किया है? बताओ इनको। जी नहीं। तो फिर तुमने ऐसा गलत बयान लिखकर क्यों दिया था, बोलो। मुझे डराया, धमकाया और कहा मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो ये मेरा इस इलाके में जीना मुश्किल कर देंगी। नहीं, ये सरासर गलत है। यही सच है। विशंबर बाबू जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। छोड़ दो इसे। प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, पचास तो क्या, तू कातलों के कारवां के कारवां मुझ पर उडेल दे, मैं सबकी गर्दन काट कर तेरे घर की दहलीज में सजा दूंगी। अच्छा, इतना घमंड है इस 5 मीटर के कपड़े पर? ये 5 मीटर का कपड़ा तुझे 2.5 मीटर के कफन में लपेटने के लिए ही पहना है। वाह, तो विशंबर आज तक सारी दुनिया को अपनी दिमागी चालों से मात देते रहा है, तुम उसे मात देने आई हो? इतना बड़ा चैलेंज। मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुझे पागल कुत्ते की मौत मार सकती हूं, मगर जिस भोली भाली जनता की नजर में तू देवता का रूप लिए बैठा है, उन्हें तेरी असलियत की ये राक्षस नुमा शक्ल दिखानी है मुझे। तेरे एक एक गुनाह को जनता की आवाज बना दूंगी मैं, तुझे नेता से दर दर का भिखारी बना दूंगी मैं। भिखारी